सभी को नमस्कार। आज हम भारत के जो भूगोल है उसके अंतर्गत हम अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे और अफवाह तंत्र में भी हम जो प्रायद्वीप अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भाग में प्रवाहित होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के कक्षाओं में हमने जो अफवाह तंत्र था उत्तर भारत में किस प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, कौन कौन से प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा उत्तर भारत की नदियों का हमने वर्णन किया था और उसकी बात जो क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने दक्षिण भारत के जो अफवाह तंत्र था, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह प्रतिरूप था कि नदियां यहां पर किस प्रतिरूप में प्रवाहित होती है, किस पैटर्न का निर्माण करती है, किस स्वरूप में प्रवाहित होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो प्रायद्वीपीय भाग है जो उसका अफवाह तंत्र है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें अनेक नदियां प्रवाहित होती है। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका आकार छोटा है। जब हमने दक्षिणी प्रायद्वीप अफवाह प्रतिरूप की बात की थी तब हमने देखा था कि जो नदियां हैं कुछ नदियों को छोड़ दें हम, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, इन नदियों को छोड़ दें तो अधिकांश नदियां बहुत ही कम लंबाई की है, बहुत ही छोटी नदियां हैं। जबकि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वह नदियां विशेषतः दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में काफी बड़ी है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम, अधिकांश नदियों का उद्गम जो होता है वह पश्चिमी घाट से सह्याद्री पर्वत से होता है और यह नदियां जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है बहुत ही छोटी नदियां हैं, तीव्र ढाल के अनुरूप बहती है, प्रवाहित होती है, और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कुछ जो नदियां हैं वो कुछ बड़ी है, लेकिन अधिकांश जो नदियां हैं वो भी उत्तर भारत की तुलना में बहुत छोटी है। और इनका जो अफवाह क्षेत्र है वो भी बहुत छोटा है। ये उत्तर भारत की नदियों की तुलना में बहुत कम क्षेत्र का जल अपने साथ अपवाहित करती है, अपवाह बेसिन का निर्माण करती है, और यहाँ की जो नदियां हैं वो अधिकांशतः मौसमी है, वर्षा पर आधारित है। जब हमने उत्तर भारत की नदियों के बारे में अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं हिमालय पर्वत से उत्पन्न होती है और इस क्षेत्र में से उत्पन्न होने के फलस्वरूप वर्षा ऋतु में जो जल की प्राप्ति होती है वर्षा ऋतु में वह वर्षा के द्वारा हो जाती है और गर्मी के मौसम में यह बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में प्रवाहित होता है। और इस प्रकार जो उत्तर भारत की नदियां वह बारहमासी नदियां हैं, जबकि जो अधिकांश नदियां हैं दक्षिण भारत की वह नदियां मौसमी हैं और वर्षा पर ही आश्रित है। वर्षा ऋतु में इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, जब वर्षा होती है तब इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती तब इनको जल प्राप्त नहीं हो पाता और ये नदियां शुष्क ऋतु में इनका जल स्तर काफी कम हो जाता है और कुछ नदियां तो सूख जाती है। इस क्षेत्र की नदियों जो नदियां हैं वह कम गहरी है। इसका मुख्य कारण है कि जो प्रायद्वीप स्थिति है, जो निर्माण है, ये प्रायद्वीप यह निर्माण विशेषतया पठारी क्षेत्र है, कठोर चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, जिसके परिणाम स्वरूप
धरातल कटर होने के कारण वो नदियों का जो ढाल है, जो क्षेत्र का ढाल है, यह अधिक ऊंचे पहाड़ी नहीं होने के कारण ढाल की जो तीव्रता है, ढाल प्रवणता है, वो कम है। इस वजह से नदियां गहरी खाड़ियों में या गहराई में कम प्रवाहित होती है, और इन जो नदियां होती है, यह नदियां पठारी भूभाग होने के कारण इनकी घाटियां, इनका तल चौड़ा हो गया है, और जो नदियां का जो अपरदन की जो समता है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। यही कारण है कि नदियां अपनी तले को गहरा करती हुई नहीं चलती, बल्कि यह नदियां अपने जो किनारे है उनमें ही प्रवाहित होती है, चौड़ाई में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है। अर्थात इन नदियों की घाटियां चौड़ी है और जो इनकी अपरदन समता है लगभग समाप्त हो चुकी है। हम बात करते हैं प्रायद्वीप भारत के अपवाह तंत्र की, नदियों की। तो हमने जब मानचित्र में हमने बात की थी, पूर्व कक्षाओं में हमने बात की थी, तो अधिकांश जो नदियां हैं वह नदियां पश्चिम के सह्याद्री पर्वत से, या यूं कहें पश्चिमी घाट से, जो एक सतत रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। इस पर्वत के निकलकर, इस पर्वत से निकलकर यह नदियां दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल लेके जाती है। कह सकते हैं कि यहां की जो अधिकांश नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियां अरब सागर में भी गिरती है, जिनमें हमने बात की थी, नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है। इसके अलावा जो मालाबार तट है, जो गोवा का तट है, और जो काठियावाड़ का तट है, उससे प्रभावित होने वाली नदियां इन तटों पर प्रभावित होती हुई पश्चिम घाट के पश्चिम में बहुत तीव्र गति से प्रभावित होती हुई यह नदियां अरब सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम प्रायद्वीप भाग में जो नदियों का स्वरूप देखते हैं वह अधिकांश नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है या अरब सागर में गिराती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी है जो अपना जल इन दोनों सागरों में नहीं गिराती, और ये किसी उत्तर भारत की नदी में अपना जल प्रवाहित करती है और उत्तर भारत की कुछ नदियों में मिल जाती है, जिससे गंगा और यमुना में कुछ नदियां प्रायद्वीप भारत की मिलती है। जब हमने बात की थी गंगा की सहायक नदियों में, तब हमने बात की थी कि अमरकंटक की पहाड़ से जो सोन नदी प्रवाहित होती है वह गंगा नदी में मिलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार हमने एक नदी देखी थी चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश की मऊ के पास जो जानापाव पहाड़ी है उससे निकलकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इत्यादि में प्रवाहित होती हुई यह नदी इटावा के समीप यमुना नदी में अपना जल गिराती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीप नदियां हैं उनमें कुछ नदियां ऐसी भी है जो अपना जल उत्तर की ओर प्रवाहित करती हुई उत्तर भारत की, या यूं कहें कि हिमालय जो अपवाह तंत्र है, हिमालय पर्वतीय जो अपवाह तंत्र है, उत्तर भारत का जो अपवाह तंत्र है उसका भाग है, उसका हिस्सा है, क्योंकि ये नदियां अपना जल इस उत्तरी जो हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित नदियां हैं उससे संबंधित नदियां हैं, और ये नदियां
गंगा यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, जैसे चंबल है, सोन है। इसके बाद प्रायद्वीप से अतिरिक्त कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर खच के रण या कंबात की खाड़ी में भी गिरती है। जब हम बात करें अरावली मध्यवर्ती पहाड़ियों की, तो इनमें हम देखते हैं जैसे साबरमती है, लूनी है, माही है, ये ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वत से और मध्यवर्ती पहाड़ से निकलकर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है या फिर खंबात खाड़ी में गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रायद्वीप भारत का अपवाह तंत्र है, इसमें हम विस्तृत अपवाह तंत्र का उदाहरण नहीं देखते, अर्थात इसमें विस्तृत अपवाह तंत्र नहीं मिलता, उत्तर भारत के समान अपवाह तंत्र नहीं मिलता। जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है। जो नदी अपना जल जिस क्षेत्र में गिराती है, जिस सागर में गिराती है, उसके आधार पर प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनका विभाजन किया गया है, जिनमें अरब सागर में गिरने वाली नदी, जो नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है उनमें मिलती है, इस प्रकार की नदियों को अरब सागर अपवाह तंत्र के अंतर्गत या अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत उनको हम देखते हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, हमने बात की प्रायद्वीप भारत की नदियों की, तो इसमें हमने देखा कि अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जिनमें हमने देखा था कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ऐसी कई नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और यह बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। हम बात करें प्रायद्वीप भारत की नदियों की, तो उसमें हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनमें हम देखते हैं इनमें कई नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इनमें बात करें हम भादर नदी की, भादर नदी, यह नदी गुजरात के राजकोट से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। गुजरात जो राज्य है उसकी नदी है भादर नदी, छोटी नदी है और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि जो अरब सागर में गिरती है वो विशेषतया छोटी नदियां ही हैं, जिनमें एक नाम आता है भादर नदी का जो राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं सतरंजी नदी की, ये भी गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर जो कंबात की खाड़ी है उसमें अपना जल गिराती है। इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं जो राजस्थान गुजरात से संबंधित है, उसमें नाम आता है साबरमती का। साबरमती का उद्गम तो राजस्थान है लेकिन इसका जो विशेष महत्व है वह गुजरात के लिए है। यह गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और यह अपना जल कंबात की खाड़ी में गिराती है। यह जो साबरमती नदी है तो इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम उदयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला है और यहां से निकलकर यह नदी गुजरात होते हुए कंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके लिए कहा जाता है कि यह नदी लगभग 320 किलोमीटर का सफर तय करती हुई कंबात की खाड़ी में गिरती है और इस नदी का राजस्थान की तुलना में गुजरात में विशेष महत्व है और यह यूं कहे कि गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है।
उसके बाद हम बात करें माही नदी की। यदि हम माही की बात करते हैं तो यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला में मेहद झील एक इसका उद्गम स्थान है। मेहद झील से निकलकर यह नदी आगे प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश राजस्थान राज्यों में प्रवाहित होती है और यह अरब सागर में मिल जाती है। हम माही नदी की बात करते हैं तो इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, जिनमें सोम और जाखम महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं और ये सब अपना जल माही में मिलाती और माही नदी कम्बाद की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी लगभग 560 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती है, अर्थात इसकी जो लंबाई है वो लगभग 560 किलोमीटर है। और यह नदी धार, झाबुआ, रतलाम जो एमपी के जिले हैं इनमें प्रवाहित होती है। राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में यह नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है, उदयपुर में प्रवाहित होती है और अंत में अपना जल अरब सागर क्षेत्र में गिरा देती है। इसके बाद बात करते हैं अरब सागरी अफवा तंत्र में, जिसमें मुख्य नदी आती है नर्मदा नदी, जो इस अफवा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत की अमरकोट जो अमरकंटक चोटी है उससे निकलती है। हमने जब अफवाह प्रतिरूप के बारे में अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि अमरकंटक की जो पहाड़ी उससे आर्य प्रतिरूप का निर्माण होता है। आर्य अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ से जो तीन नदियाँ निकलती है तीनों की दिशा अलग अलग होती है। नर्मदा का उद्गम भी यही है जो अमरकंटक के पश्चिम में निकलकर और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के उत्तर से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। और एक नदी हमने पढ़ी थी जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार जब बात करते हैं हम नदियों की तो इसमें हम नर्मदा नदी को देखते हैं जो त्रायद्वीप भारत की अरब सागर में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यदि इस नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें, इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है लगभग 87% क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और गुजरात में 11.5% क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र में यह नदी लगभग 1.5% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है वह सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में और उसके बाद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत 87% और गुजरात के अंतर्गत 11.5%, महाराष्ट्र के में यह 1.5% है। हम बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा जो नदी है यह विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है, ब्रंस घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। दो जो पर्वतमाला है विंध्याचल और सतपुड़ा इसके मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी का निर्माण करती हुई यह नदी आगे जाकर अरब सागर में समाहित हो जाती है।
यह नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह एक ऐसी नदी है भारत की जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कई शाखाओं में जब ये अरब सागर में मिलती है तब कई शाखाओं में विभाजित नहीं होती, अर्थात डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और ज्वार नदमुख में यह नदी समाहित हो जाती है। इसका जल इस ज्वार नदमुख के माध्यम से समुद्र में मिल जाता है। हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी दक्षिणी प्रायद्वीप जो अपवाह तंत्र है, दक्षिणी प्रायद्वीप जो नदियां हैं उनमें जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है उसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। और यूं कह रहे हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी जबलपुर के पश्चिम में की बात करते हैं तो लगभग 150-160 किलोमीटर तक के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की जो संगमरमर की सेलें हैं जब ये उनको काटती हुई आगे बढ़ती है तो ऐसा मनोहर दृश्य उत्पन्न करती है। और उस जो मनोहर दृश्य है वो मनोहर दृश्य धुआंधार जो जलप्रपात है उसके रूप में हमें दिखाई देता है। अर्थात यह नदी धुआंधार जो जलप्रपात है उसका निर्माण करती है। वो धुआंधार जो जलप्रपात है जो उसका क्षेत्र है, यह क्षेत्र संगमरमर की चट्टानी क्षेत्र में है जिसके फलस्वरूप यहाँ मनोहर दृश्य उत्पन्न होता है। यह गंगा की भांति एक पवित्र नदी मानी जाती है। लगभग 1300 किलोमीटर लंबी इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 93 लाख वर्ग किलोमीटर है। सॉरी 93,000 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी ब्रह्मोत्सव घाटी यानी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है जैसा कि हमने देखा था। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरण, बरना, कोनार, माचक आदि नदियां। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन के जो नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस नदी की जो पवित्रता है उसको दृष्टिगोचर करती है। जब हम नर्मदा नदी की बात कर रहे थे तो जब यह अपना जल अरब सागर में गिराती है तो यह छोटी छोटी धाराओं में विभक्त नहीं होती, इसको ढाल अधिक मिलता है, इसके परिणाम स्वरूप यह एस्चुरी का निर्माण करती है और समुद्र मिल जाती है। एस्चुरी और ज्वार जो नदमुख होता है यह नदी का जलमग्न मुहाना है जहां स्थल से आने वाले जल और सागर जो खारा जल होता है उसका मिलन स्थल होता है। क्योंकि और जब नदी के जल में तीव्र अपप्रवाह के कारण जब मलवा का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता और नदी जब मुहाने पर निक्षेप नहीं होता तो नदी कई धाराओं में नहीं बढ़ती तथा नदी का जल के साथ जो मलबा होता है ढाल के कारण यह मलबा भी समुद्र में गिर जाता है तो नदी का मुहाना गहरा हो जाता है। और ऐसे गहरे मुहाने को ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी कहा जाता है। अर्थात यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और ज्वार नदमुख नदी का जलमग्न मुहाना है जहां स्थल से आने वाले जल और सागरी खारे जल का मिलन स्थल होता है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मलबा का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है
तो नदी का मुहाना गहरा होता जाता है हो जाता है और ऐसे गहरे मुहाने को ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी कहा जाता है। हम बात करें दक्षिणी प्रायद्वीप की नदियों में, विशेषतया अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों, तो इसमें हम जो अगली नदी देखते हैं वो नदी है तापी यानी ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें बैतूल जिले से यह निकलती है। बैतूल जिले के मुल्तान नामक स्थान से निकलती है और यह नदी सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ियों के बीच ब्रंस घाटी में प्रवाहित होती है। हमने जब नर्मदा नदी का अध्ययन किया तो वह भी एक ऐसी नदी थी जिसका जो अपवाह क्षेत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है वह ब्रंस घाटी में है। तापी नदी का जो अपवाह बेसिन है, अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, लगभग 79%। मध्य प्रदेश में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है 15% और गुजरात में जो अपवाह क्षेत्र है वो 6% है। हम तापी नदी की बात करते हैं तो तापी नदी भी बंगाल अरब सागर में प्रवाहित होती है, अपना जल गिराती है। इसकी जो सहायक नदी है और प्रमुख जो सहायक नदी है वह है पूर्णा, जो ताप्ती को या तापी को खान देश में प्रविष्ट होने के पूर्व मिल जाती है। इस तापी नदी की जो लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर है और अनुमानत प्राचीन काल में ताप्ती या तापी और नर्मदा का जो संगम था वो खान देश के दक्षिण पश्चिम में था, किंतु अब दोनों नदियां जो मार्ग है वह मार्ग स्वतंत्र है, अलग अलग है। हम बात करें तापी नदी यानी ताप्ती नदी की, तो जो तापी नदी की सहायक नदी है वह है पूर्णा नदी, जैसा कि बताया ये खान देश में प्रविष्ट होने से पूर्व ताप्ती नदी में मिल जाती है। और ताप्ती जो नदी है, तापी जो नदी है, ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और यह नदी भी एस्चुरी का यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यह नदी सागर में मिलने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके बाद मांडवी नदी, मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत के भीमगढ़ झरने से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। और मांडवी नदी के लिए कहा जाता है कि मांडवी नदी प्रमुख गोवा की नदी मानी जाती है। इसका महत्व गोवा राज्य के लिए विशेष है। इसके बाद हम बात करते हैं अरब सागर में, जिसमें हम देखते हैं जुवारी नदी। जुवारी नदी गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है और यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं शरावती नदी की। यदि हम शरावती नदी की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण नदी है जो कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत की अम्बुतीर्थ नामक जो पहाड़ी है उससे निकलती है, इन कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इस शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हम बात करें जो अरब सागर अपवाह तंत्र है, जो दक्षिण भारत जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है उनमें अगला नाम आता है गंगा वैली नदी का। यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरियार नदी की। यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और यम
केरल राज्य में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यह प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद हम बात करें भरतपुजा नदी की, यह भी अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है उससे निकलती है और इसे पोनानी नाम से भी जाना जाता है, अर्थात भरतपुजा नदी का अन्य नाम पोनानी नदी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इसका क्षेत्र भी जो प्रवाह क्षेत्र है वो केरल तमिलनाडु है। इसके बाद हम बात करें पंबा नदी की, यह केरल की नदी है एवं वेमनाद झील में गिरती है और वेमनाद झील का जो महत्व है नौका दौड़ के लिए उसके लिए विशेष महत्व है और केरल की एक महत्वपूर्ण झील मानी जाती है, पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण झील है जिसमें गिरने वाली नदी है पंबा नदी, अर्थात वेमनाद झील को जल की प्राप्ति पंबा नदी से होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, इनमें वो नदियां हम लेते हैं जो अपना जल प्रवाहित करती हुई बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इसमें हम देखते हैं जिसमें जो नदी आती है वह है हुगली नदी। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में ही इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात करें दामोदर की, तो दामोदर जो नदी है यह है दामोदर नदी, इसका जो उद्गम है इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जो पलामू जिला है झारखंड का वहां से निकलती है और पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है क्योंकि इस नदी के किनारों पर विशेषतः छोटे नागपुर के जो पठार है वहां पर जो उद्योगों का निर्माण हुआ है और उनसे जो निकलने वाला अवशिष्ट जल है वो इस नदी में मिलता, इस वजह से यह नदी अति प्रदूषित हो गई है। यह नदी बंगाल का शोक भी कहलाती है क्योंकि इसमें जो बाढ़ आती है और ये अपना बाढ़ के पानी के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में यह बहुत अधिक मात्रा में तबाही मचाती है, जन माल की हानि करती है, जन धन की हानि करती है। इस वजह से इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। हम दामोदर जब नदी की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें गड़ी, कोनार, जमुनिया, बराकर आदि है। बराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है और तथा 430 किलोमीटर बहने के पश्चात यह हुगली में मिलती है। जब दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसके साथ पश्चिम बंगाल का नाम आता है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के लिए एक शोक की लहर पैदा कर देती है। जब बाढ़ आती है तो बंगाल में शोक छा जाता है। इस बाढ़ को रोकने के लिए इस दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया है, बहुउद्देशीय नदी घाट योजना का निर्माण किया गया है जिसके अंतर्गत बांधों का निर्माण किया गया है और जिससे जो वर्षा काल में जो जल की मात्रा अधिक होती थी उसको रोक लिया जाता और बाढ़ में जो पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ का प्रभाव है प्रकोप है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। तो स्वर्णरेखा नदी की जब बात करते हैं तो इस स्वर्णरेखा का जो उद्गम है ये रांची के पठार से निकलती है
ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह पूर्व की ओर सिंहभूमि, मयूरभंज, मिदनापुर जिलों में लगभग 490 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और लगभग जो इसका अपवाह क्षेत्र है वह अपवाह क्षेत्र 2850 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं वैतरणी नदी की। यह ओडिशा के क्योंझर जिले से निकलती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है उड़ीसा एवं झारखंड राज्य है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात करें जो इसकी अगली नदी है, उसमें हम बात करते हैं ब्रह्माणी नदी की। ब्रह्माणी जो नदी है इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य की कोयल एवं संत नदियों की धाराओं के मिलने से हुई है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बोनाई वो तालचीर श्रेणिया तथा बोलासर जिले से होकर वैतरणी नदी से मिलती है और जिसकी कुल लंबाई 418 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्व की ओर जो नदी प्रवाहित होती है उसमें अगला नाम आता है महानदी का। महानदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत की सिहाना पहाड़ी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में उड़ीसा राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह नदी मध्य प्रदेश या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश का जल लेकर उड़ीसा में उर्वरक डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी पर या यूं कहें कि इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि इससे जो बाढ़ आती है जो नुकसान होता है वो उड़ीसा में सर्वाधिक होता है। इस वजह से इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इस नदी पर भी बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किया गया है, यानी नदी घाटियों का निर्माण किया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है उसके अंतर्गत कई बांधों का निर्माण किया गया। हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उसमें अगला नाम आता है गोदावरी नदी का। गोदावरी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो नदी है इसका जो उद्गम है इसका उद्गम नासिक जिले की त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा व वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है और यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं कर्नाटक, यवन जो पंदुचेरी है उससे होकर प्रवाहित होती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, दुधना, कोण, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, चेलोरी, प्राणहिता एवं मंजरा, जिसे मंजरा भी कहते हैं, जो दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जो नदी है प्रायद्वीप भारत की जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उसमें हम देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। हम बात करें कृष्णा नदी की तो यह पटारी भाग को पार करती हुई सोलापुर और रायचूर के दोआब में पहुंचती है। यह लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और जो इसका अपवाह क्षेत्र है लगभग जो अपवाह क्षेत्र है वो अपवाह क्षेत्र 2.59 वर्ग किलोमीटर।
इसकी जो सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा एवं मूसी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा जब नदी की बात करते हैं तो तुंगभद्रा जो नदी है वो कुंडूल के निकट कृष्णा से मिलती है और अगली जो हम नदी लेते हैं दक्षिण भारत की उसमें नाम आता है पेनार नदी का। यह पेनार नदी कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदी की जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती, इसमें कावेरी एक महत्वपूर्ण नदी है। कावेरी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतत रूप से जल प्रवाह बना रहता है। नित्यवाही नदी है, 12 महीने प्रवाहित होती है। इसका कारण है कि कावेरी का जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है तो विशेषकर कर्नाटक क्षेत्र में आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से यह वर्षा जल प्राप्त करती है। जब लौटता हुआ मानसून आता है तब इससे शीतकाल में वर्षा की प्राप्ति होती है और शीतकाल में वर्षा के फलस्वरूप इसमें जल की आवक हो जाती है, जबकि जो निचला जल ग्रहण क्षेत्र है वो तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। इसके अपवाह का सर्वाधिक क्षेत्र तमिलनाडु के अंतर्गत है लगभग 56% और कर्नाटक में 41% अपवाह क्षेत्र मिलता है और 3% जो अपवाह क्षेत्र है कावेरी नदी का वह केरल राज्य के अंतर्गत आता है। शिवा समुद्र के नीचे इस पर अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं और इसे दक्षिण तम गंगा कहा जाता है। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें लक्ष्मण तीर्थ, तमनी, सोनावती, भवानी, अमरावती, हेरंगी, हेमावती, सिस्सा और करवती ये नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां। इसके बाद बात करते हैं हम वेगाय नदी की। यह तमिलनाडु के वरसांद पहाड़ी से निकलती है एवं पाकी खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो भारत श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी है उसमें अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपर्णी नदी। यह तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है जो मंदार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह अंतस्थली नदियां हैं। कुछ नदियां अंतस्थली भी है जो अपना जल किसी खाड़ी सागर में नहीं गिराती। कुछ नदियां ऐसी होती जो सागर तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती, ये अंतस्थली नदियां कहलाती है। यह विशेषता राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया, कौन कौन सी मुख्य नदी है, अपना जल किस क्षेत्र में गिराती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। प्रायद्वीप भारत की जो अपवाह तंत्र था इसे हमने दो भागों में विभाजित किया, कौन सी नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, अपना जल कहां पर लेके जाती है, कौन कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है, किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो ये था आपका जो अपवाह तंत्र था भारत के, जब हम अपवाह तंत्र की बात कर रहे थे तो उसमें हमने उत्तर भारत का अपवाह तंत्र शुरू में देख लिया था, अभी हमने बात की प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। धन्यवाद।